हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिक्सर के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा मिक्सर रहा और ये इको मिक्सर है और स्टेंजर का है एस्ट्रो मिक्सर। ठीक है, तो अभी हम लोग इनके बारे में पता करेंगे। तो ये हमारे यहाँ से एक ऑपरेटर बताने वाले हैं कि इसको कैसे क्या किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बताएं कि इसका कैसे कैसे क्या क्या यूजिंग है, इसका मतलब सारा का सारा फंक्शन किसको कैसा है और क्या क्या फंक्शन है इसका। जैसे कलर वाइज दिया हुआ है ना, तो इसको किस टाइप से हम लोग फंक्शनिंग करेंगे, तो इसको बताइए, आप डिस्क्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा डीजा आर्मी सेटअप में आप सभी का स्वागत है। ये इको मिक्स मिक्सर है जो 6 चैनल का रहता है। ये SM6, इसका मतलब रहता है कि 6 चैनल का ये है। और इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि ऑन ऑफ, तो इसको तो आपको पता ही होगा स्ट्रेंजर का है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है कि देखिए, ये हो गया वॉल्यूम आपका। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको आप इसमें कनेक्ट कैसे करना है। ये जैसे ही आपका जो मशीन का जो आउटपुट है, इसमें आपका एक आउटपुट आपको आपका राइट में लगेगा और एक आउटपुट आपका लेफ्ट में लगेगा। अगर ड्यूअल मशीन है या तो फिर अगर उससे भी ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेफ्ट में एक और एक राइट में लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ लेफ्ट और राइट का कंट्रोलर यहाँ से हम कर सकते हैं। मास्टर जैसे कि वॉल्यूम है, उसमें इको है और मास्टर वॉल्यूम है जो राइट है और लेफ्ट में काम आता है। ये माइक के लिए स्पेशली होता है। उसके बाद ये मास्टर जो वॉल्यूम रहता है, ये रहता है कि हमारा पूरा कंट्रोल करता है जो साउंड सिस्टम को, ठीक है। और अब आगे, इसके आगे आप लोग अब यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपका आता है वॉल्यूम बटन। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये कनेक्शन क्या होता है। ये कनेक्शन आपका होता है कि जो बजेगा गाना, जो ऑडियो रहेगा, उसको इनपुट करने के लिए ये रहता है। और ये आउटपुट है जो कि आउटपुट होकर आपका मशीन के में इनपुट होता है और वहाँ से कनेक्शन जाता है बॉक्स में, और बॉक्स में आपका गाना बजने लगता है। तो देखिए, सबसे पहले काम होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम आप जितना इसमें बढ़ाएंगे उतना इंक्रीज होगा। और इको जो होता है, ये स्पेशली माइक के लिए होता है। और अगर आप इको ऐसे ही बढ़ाते हैं तो ये आवाज़ गूंजने लगता है, जो कि सुनने में बहुत ही ख़राब लगता है। इसके लिए इसको हम लोग हमेशा बंद करके रखते हैं। जब माइक का ज़रूरत होता है तब इसको हम लोग यूज करते हैं। और पैन जो होता है, अगर इसको हम लेफ्ट करते हैं, तो अगर आप हम दो बॉक्स लगाए हैं और लेफ्ट और राइट में रखे हुए हैं, तो अगर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट वाला बॉक्स ज़्यादा तेज़ आवाज़ देता है और राइट वाला बंद हो जाता है। अगर पैन को अगर हम इधर इंक्रीज करते हैं तो राइट वाला जो बॉक्स है वो बजेगा और लेफ्ट वाला बॉक्स है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो हाई वाला जो रहता है, जो लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेट किया हुआ है हाई। तो इसमें जो रहता है कि ये ट्यूटर के लिए होता है। जैसे कि आपका आवाज़ झनकार में चाहिए, ट्रेबल में चाहिए, उसके लिए आपको आपका ये यूज हो सकता है। और जो लो रहता है, ये बेस के लिए यूज होता है। जितना आपको बेस बढ़ाना है, ये लो का जो इंडिकेशन दिया हुआ है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। और गेन का यूज जो होता है, वो होता है कि अगर आपके डिवाइस में जो जिससे आपका ऑडियो बज रहा है, अगर वो उसका आवाज़ कम है या फिर स्लो है, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 0 डेसिबल लिखा हुआ है, अगर 0 डेसिबल से आपको बढ़ाना है तो ये +6 डेसिबल है और ये -50 डेसिबल है। तो इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ये साउंड को और खिलाएगा। इसका मतलब कि ये होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं तो आवाज़ फटने का डर रहता है। इसीलिए सब साउंड मास्टर सब इसको कम ही रखता है, और जो कंट्रोल करना रहता है ये वॉल्यूम से ही करता है।